जिनके पास मास्क वगैरह नहीं, वो भी यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद उनको यहाँ सैनिटाइज किया जाएगा। लिस्ट के तहत जो है वो एक एक नाम बुलाते जा रहे हैं और वहाँ से जो भी अपनी बेनिफिशरीज हैं वो अपना आई कार्ड पहचान पत्र लेकर यहाँ आ रही हैं। वैक्सीन पड़ने के बाद उनको कम से कम इसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है, 30 मिनट्स के लिए हम लोग यहाँ से वैक्सीनेशन हो गया। अगर भाई अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे मैं यहाँ नीचे वैक्सीनेशन ये है, मैं वहाँ खबर करूंगी। ड्राई रन में 25 को हम लोग लेकर चल रहे हैं। जो जनरल जब होगा तो उस वक्त एक आदमी जो वैक्सीनेटर होगा वो 100 आदमी को करेगा। जैसे आदमी बढ़ेगा वैसे वैक्सीनेटर बढ़ाए जाएंगे। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है, मगर कोविड का जो वैक्सीन होगा, जब वैक्सीनेशन होगा तो इसी जगह पर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, हमारे साथ यहाँ की हेल्थ मैनेजर शिप्रा चौहान यहाँ पर मौजूद है। जी, क्या होगा पूरा प्रोसेस हमारे जो व्यूवर्स? चलिए पहले तो थैंक यू आपको। देखिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इसको आप पब्लिक को जरूर बताइए, इसके लिए रिगार्डिंग अवेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सरकार का जो पहल है। देखिए, अभी हमारे यहाँ वैक्सीन का ये जो है ड्राई रन चल रहा है। यहाँ पे जब भी लोग आएंगे यहाँ पे उनका थर्मल स्कैनर, देखिए ये है जो थर्मल स्कैन करेंगे, आप करके बताएं जी। जो पहला स्टेप होगा ये होगा कि जो आएंगे उनका थर्मल स्कैनिंग, जिनके पास मास्क वगैरह नहीं वो भी यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद उनको यहाँ सैनिटाइज किया जाएगा इस जगह पर। जी बिल्कुल, यहाँ इसको ऐसे करेंगे, देखिए सैनिटाइजर आ गया हाथ में, सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइजेशन के बाद वो आगे हॉल में हमारे जाएंगे। ये हॉल है जी, देखिए सामने जो है आपका प्रतीक चलते हैं जी। बिल्कुल, चलिए ना, प्रतीक्षा कक्ष लिखा हुआ है जो हमारा वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में मेनली जो है हम लोगों का बैठने की कैपेसिटी आज 25 लोगों का ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें वहाँ पे वेटिंग एरिया में सबको बैठाया जाएगा, सभी लोगों को कोविड का जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए। तो यहाँ आने के बाद बैठेंगे या कहीं और जाएंगे? नहीं, यहाँ बैठेंगे, वहाँ में रजिस्ट्रेशन काउंटर है। ये रजिस्ट्रेशन जी बिल्कुल, यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप देख रहे हैं हमारे डेटा ऑपरेटर बैठे हुए हैं। इनको एक लिस्ट दिया गया जिनका रजिस्टर ऑलरेडी पहले से हो रखा है। उस लिस्ट के तहत जो है वो एक एक नाम बुलाते जा रहे हैं और वहाँ से जो भी अपनी बेनिफिशरीज हैं वो अपना आई कार्ड पहचान पत्र लेकर यहाँ आ रही हैं। ये मिलान कर ले रहे हैं, ओके कर रहे हैं। ये हमारी एनएम दीदी हैं जो कि इनको यहाँ से सुपरवाइज करते हुए उस बेनिफिशरी को ले जाएंगी आपको वैक्सीनेशन रूम में। वैक्सीनेशन हो जी, तो यहाँ पर ये देखिए हम वैक्सीनेशन रूम के तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ से मिलान हो जाएगा, पूरा नाम एड्रेस पहचान हो जाएगी कि वही है जी, तो यहाँ पे वैक्सीनेशन रूम है, देख लीजिए। ये वैक्सीनेशन रूम, ये वैक्सीनेशन रूम रखा गया है। यहाँ हमारी दो एनएम दीदी लोग हैं, आप देख सकते हैं जी, जी। ये दोनों एनएम दीदी जो है अपना यहाँ देखिए आप, ये लिस्ट है, इससे उससे फिर से मिलान करेंगे और कि सही है कि नहीं, और उनको वैक्सीनेट करने का यहाँ टिक भी लगाएंगे कंफर्म कि हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ देखिए इंजेक्शन नहीं, ये AEFI किट वगैरह है, ये आपका हब कटर जिसमें काटा जाएगा, डस्टबिन वगैरह सभी चीज रहना चाहिए, ताकि ये सब भी देखना है हम लोगों को, जो भी बायो वेस्ट का सही मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए अभी आप इनको वैक्सीन के लिए आई हुई हैं एनएम दीदी लेकर, इनको अभी वैक्सीन पड़ना है। यहाँ वैक्सीन पड़ने के बाद उनको कम से कम इसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है, 30 मिनट्स के लिए हम लोग वैक्सीनेशन हो गया। तो अब यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे, हम लोग ऑब्जर्वेशन रूम बनाए हैं जी। ऑब्जर्वेशन रूम जी, ऑब्जर्वेशन रूम में हम लोग जिनको वैक्सीन पड़ रखा होगा उनको हम लोग ऑब्जर्वेशन रूम में, यहाँ पे देखिए यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अच्छा, है लगाया हुआ बिल्कुल, तो उनको यहाँ पर रखा जाएगा जी। आप देख सकते हैं यहाँ 30 मिनट इंतजार करवाना है। ये देखिए ये 30 मिनट का, देखिए इनको जैसे वैक्सीन मान लीजिए लग गया, ये अभी वेटिंग एरिया में है, बैठी हुई हैं ये लोग सभी लोग। यहाँ हमारा हेल्प डेस्क भी है, यहाँ पे कोई डॉक्टर भी रहेंगे जो अब ये हमारे जो है, देखिए आप हेल्प डेस्क बना हुआ है, ये हमारे जो है जी जी, और ये 30 मिनट का इन लोग को वेट, आप लोग निगरानी करेंगे, अगर भाई अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे मैं यहाँ नीचे वैक्सीनेशन ये है, मैं वहाँ खबर करूंगी, और अभी तक तो सब कुछ स्वस्थ है जी। चलिए, तो यहाँ पे 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन होगा, और ऑब्जर्वेशन के में अगर ठीक होती है वो 30 मिनट तक, तो उसके बाद यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ये देखिए ये पूरी प्रक्रिया होगी जो आपको वैक्सीनेशन के बाद पूरी करनी होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन? मिनिमम 100 का है। अभी अभी ड्राई रन में 25 को हम लोग लेकर चल रहे हैं। जो जनरल जब होगा तो उस
वक्त एक आदमी जो वैक्सीनेटर होगा वो 100 आदमी को करेगा, जैसे आदमी बढ़ेगा वैसे वैक्सीनेटर बढ़ाए जाएंगे, लेकिन आज के ड्राई रन में हम लोग 25 का टारगेट लेके चल रहे हैं। चलिए, शिप्रा चौहान जो यहाँ की स्वास्थ्य हेल्थ मैनेजर है, उन्होंने पूरी बात बताई एंट्री के वक्त से लेकर कैसे उनका पूरा डेटा का मिलान होगा, देखा जाएगा उनके आधार कार्ड या वोटर आईडी, उसके बाद वैक्सीनेशन, फिर वहां से निकाल कर उन्हें 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन। तो लाइव सीरीज पर आप जुड़े रहे हमारे साथ, हमारी पूरी टीम आपको अलग अलग जगह से पूरी खबर दिखा रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।